हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि तीज है। तीज में सोलह श्रृंगार करना होता है, तो बिना मेहंदी के तो सोलह श्रृंगार पूरा होगा नहीं। और मेहंदी थोड़ा पहले लगाना होता है, लेकिन हम लोग आज ही लगवा रहे हैं। तो हम सब इकट्ठे हुए यहाँ पे छत पे, हमारे कॉमन रूम है एक, उसमें। वैसे तो सब जाके बाहर से लगवा के आते थे, लेकिन इस बार मेरा निकलना थोड़ा मुश्किल था, तो मेरी एक फ्रेंड है उसने घर पे ही बुलवा लिया था। और हम सब लोग वहीं कॉमन रूम में इकट्ठे हुए थे। और ये देखिए, तीन चार लड़कियाँ आई हैं मेहंदी लगाने के लिए। काफ़ी अच्छा मेहंदी लगा रही थी, और ये भाभियों के हाथ में अभी लग रहा है। तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है जब ग्रुप में कोई काम करो, तो ऐसा लग रहा था किसी की शादी है और मेहंदी फंक्शन जो होता है वो हो रहा है। चाय नाश्ता भी बीच बीच में चल रहा था। और ये देखिए, ये मेरी मेहंदी लग रही है। तो मुझे मेहंदी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं किसी भी फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, तो ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मेहंदी जब भी मैं लगाती हूँ, वैसे तो हमेशा लगता नहीं है, लेकिन जब भी लगाती हूँ कोशिश करती हूँ भर के हाथ में लगे। और ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन इसने बनाया है। छोटी छोटी बच्चियाँ थी, 8 9th की बच्चियाँ थी, और उसने लगाई है। ये भाभी लोगों के भी हाथों में लग रहा है। और इससे हम लोगों को सुविधा क्या हो गई ना, कि हम लोग अपने हिसाब से करने लगे। अंदर थोड़ी सी गर्मी लग रही थी रूम के अंदर, तो हम लोग बाहर छत पे आ गए थे। और छत पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत सुहाना मौसम हो रहा था, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा लगवाने के बाद। और ये आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी जो है कितनी अच्छी लगाई है उसने, बहुत ही अच्छा लगाया था। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इतना भर भर के हाथ में मैंने मेहंदी लगाया था। तो जब इतनी खूबसूरत मेहंदी हो तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट तो बनता है। तो ऊपर से जब हम लोग घर में आए, तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने फ़ोटोशूट किया, जब तक मेहंदी हमारी सूख रही थी। तो मैं और श्वेता थे नीचे, श्वेता से आप लोग मिले भी हैं हमारे पिछले भी ब्लॉग में, कई सारे ब्लॉग में फ्रेंड है मेरी। तो ये श्वेता कहाँ थे, श्वेता ने अपने पैरों पे भी थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी। मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे आलता लगाना था, तो मैंने पैरों पे मेहंदी नहीं लगाई थी, सिर्फ हाथ में ही लगाई थी। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगाया है मेहंदी उसने। उसके बाद हमारे यहाँ आज के दिन पकवान बनता है। पकवान में आपको जो भी पसंद है, आप सुविधा के अनुसार पुआ, पूड़ी, ठेकुआ, निमकी, जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बना रही थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मेहंदी लगाते लगाते ही काफ़ी लेट हो चुका था, और थोड़ी देर मेहंदी रखना भी था। तो बस शगुन के लिए थोड़ा सा ठेकुआ, ये खजूर जो है वो बनाया मैंने, और थोड़े से पुए बनाए थे। और मेहंदी मैंने हटा लिया था आधे घंटे के बाद, तो आप देख सकते हैं कलर इतना ही आया है। तो ये तो कल तक आ जाएगा, तो वो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो वो मैंने बना लिया था। फिर नेक्स्ट डे के लिए तीज की जो तैयारी करनी थी, तो हम लोग सब इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। तीज की जो पूजा होती है, इकट्ठे करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मैं मेरी पूजा घर में ही कर लेती हूँ, हस्बैंड मेरे कथा कह देते हैं, तो हम दोनों साथ में पूजा करते हैं। लेकिन सोसाइटी में जो है पंडित जी आते हैं और कथा होती है, तो दान मन का जो भी सामान है वो सब तो पंडित जी को ही देना होता है। तो वो सब लेके मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। तो ऊपर सबके साथ ग्रुप पूजा भी हो जाती है, और थोड़ी बहुत हम लोगों की फोटोग्राफी भी हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ भी, कोई भी काम ग्रुप में करने पे। तो वही हम सब लोग, हमारे 10 15 फ्रेंड हम लोग हो गए थे, और सब एक से एक तैयार होके आए थे। तीज तो तीज या करवा चौथ, इसमें तो तैयार होने का ही महत्व है। तो वो हम लोग बहुत अच्छे से रेडी हुए थे, और सब ने लाल लाल चुनर भी ली हुई थी। हमारे यहाँ बिना ओढ़नी के कोई पूजा नहीं होती, तो हम लोगों की पूजा चूँकि हो चुकी थी नीचे, तो मैं ओढ़नी लेकर नहीं आई थी। तो यही था। अब पूजा के बाद सब फोटो सेशन की देख सकते तैयारी हो रही है। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटो खिंचवाए, काफ़ी पोज दे दे के। तो यही हम लोगों का रहता है, सब देख देते। एक से एक सुंदरियाँ हैं यहाँ पे। और ये है मेरा तीज का लुक। इस बार ब्लू साड़ी खरीदी थी मैंने, सिल्क की साड़ी थी। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेहंदी जो है देखिए कितना सुंदर सा कलर आया मेरा मेहंदी का। वैसे तो पहले लग रहा था कि बहुत अच्छा नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आया था। उससे ज़्यादा ब्लैक वाला मुझे पसंद भी नहीं है। और यहाँ पे श्वेता और मैं, हम लोग भी घर में भी आके काफ़ी फ़ोटो खिंचवाए थे हम लोग। बहुत अच्छा लगा था, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब त्यौहार ही त्यौहार आ रहे हैं, सारे त्यौहार आएंगे अब तो, एक के बाद एक ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स खिंचवाते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।